Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken class. Friends, today I am going to teach you about the differences between past indefinite tense and past perfect tense. Kafi log past indefinite aur past perfect ke sentences ko lekar confused rehte hain. To aaj main wo aapka confusion dur karne wala hoon. So let's start the class of the day. फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस. सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को पहचानेंगे कैसे, पहचानने का नियम क्या है उसका, और पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एक सेंटेंस, एक एक सेंटेंस दोनों से लेते हैं, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे. एक हम पास्ट इंडेफिनिट का लिखते हैं, वह बाजार गया. ओके, वह बाजार गया था. ओके फ्रेंड्स, वह बाजार गया या वह बाजार गया था, क्या दोनों सेंटेंस एक ही तरीके से बनाए जा सकते हैं? मैं बाजार गया था तो लोग बोल देते हैं आई वेंट टू मार्केट. ओके फ्रेंड्स, बट क्या है सही है? नो, दिस इज रॉन्ग. मैं बाजार गया था और मैं बाजार गया या वो बाजार गया, इसमें हमने लिखा है वह बाजार गया, तो इसका होगा ही वेंट टू मार्केट, और वह बाजार गया था तो ही हैड गोन टू मार्केट. ओके फ्रेंड्स, जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वह बाजार गया है. ओके फ्रेंड्स, मतलब वह बाजार गया है, उसी को हम पास्ट में बोलते हैं कि वह बाजार गया था, गया था. ओके, तो इस इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या है? इन दोनों सेंटेंसेस में वह बाजार गया और वह बाजार गया था, दोनों में फर्क यही है कि वह बाजार गया मतलब गया, वह वापस अभी नहीं आया है, बट वह बाजार गया था. गया था का मतलब हो जाता है कि कल भी गया होगा, कल की बात होगी शायद, कल से पहले की भी बात हो सकती है, बट वो वापस भी आ गया होगा अभी तक, मतलब मैं बाजार गया था, कभी किसी समय की हम बात कर रहे हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों सेंटेंसेस में फर्क हो जाता है. लेकिन कभी कभी कल तुम कहाँ गए थे, कल तुम कहाँ गए थे, तो वेयर डिड यू गो स्टार्टेड, ये ऐसा हम बोलते हैं, तुम कल कहाँ गए थे तो वेयर डिड यू गो स्टार्टेड, बट क्या ये सही है? नो, दिस इज नॉट राइट सेंटेंस ग्रामेटिकली. इसका सही होगा कि वेयर हैड यू गोन स्टडे. ओके फ्रेंड्स, एक सिंपल तरीका बताता हूँ आपको कि जब भी सेंटेंस के अंत में या ये ई खी ली दी ऐसा हो, पास्ट की बात कही जा रही हो लेकिन उसमें था थे थी ना हो, तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहलाता है. जैसे मैंने देखा, मैंने उसे देखा, मैंने खा लिया, उसने नहा लिया, वह कूदा, वो छत पर से कूदा. मीन्स इसमें कहीं भी किसी भी सेंटेंस में था थे थी नहीं बोल रहे. ठीक है फ्रेंड्स, जब था थे थी आ जाए तब समझ लेना आप कि वह पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया पहचानने का कि जब सेंटेंस में, सेंटेंस के अंत में जब था थे थी ना रहे फिर भी वो पास्ट टेंस का सेंटेंस बताया जाए, सेंटेंस बता रहा है कि ये पास्ट टेंस है, ये समय जो है वो भूतकाल की बात है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन लास्ट में था थे थी नहीं होना चाहिए. जब था थे थी जुड़ जाए पास्ट में तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कहलाता है. ओके फ्रेंड्स, तो ये फर्क है पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट में. मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम. मैंने उसे देखा था, आई हैड सीन हिम, या मैंने उसे देख लिया था, आई हैड सीन हिम. ओके फ्रेंड्स, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया, माय फादर टॉट मी. मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया था, माय फादर हैड टॉट मी. ओके फ्रेंड्स, मैंने खाना खा लिया, आई एट फूड. मैंने खाना खा लिया था तो आई हैड ईटन फूड. ओके फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, सारे टेंस पढ़ा चुका हूँ मैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैड के बाद
क्रिया का तीसरा रूप लगता है यानी कि थर्ड फॉर्म लगता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म लगता है, वर्ब का दूसरा फॉर्म लगता है। ओके फ्रेंड्स, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम जितनी भी पास्ट की बात कर रहे हैं कि मैं गया, मैं उसके बाद ये किया, वो किया, तो ये सब हम सारे के सारे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात करते हैं कि कल मैं उससे मिला, आई मेट हिम यस्टरडे। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि कल मैं उससे मिला था तो आई हैड मेट हिम यस्टरडे। ओके फ्रेंड्स, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। तो अभी आप जब भी बोलना तो ये समझ के बोलना कि जो जो मैं सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ उसके अंत में थाते थी है कि नहीं है। मैं गया था, आई हैड गोन, मैं गया, आई वेंट। ओके, वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया था, ही हैड, सॉरी, वह स्कूल गया था, ही हैड गोन टू स्कूल। ओके फ्रेंड्स, तो अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में क्या फर्क होता है। ओके फ्रेंड्स, हम और भी सेंटेंसेस लेते हैं। इसको मैंने आपको बता दिया कि वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया था, तो ही हैड, इसको मैं बना ही देता हूँ, ही वेंट टू मार्केट। और ये जो है पास्ट परफेक्ट है इसलिए ही हैड हो जाएगा, ही हैड गोन टू मार्केट। ओके फ्रेंड्स, मैंने उसे पैसे दिए, आई गेव हिम मनी, और मैंने उसे पैसे दिए थे, मैंने उसे पैसे दे दिया था। तो आई हैड हो जाएगा यहां पर, आई हैड गिवन हिम मनी। ओके फ्रेंड्स, हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है बोलचाल में, हम बोलचाल लैंग्वेज है समझने के लिए बोलते हैं, तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में भी बोल देंगे तो भी वो बंदा समझ जाएगा कि क्या कहना चाहता है, अच्छी तरह से समझ जाएगा। इसमें कोई गलत नहीं है, रॉन्ग नहीं है बोलते वक्त, बातचीत करते वक्त। मैं हिंदी में जैसे हम बात करते हैं कि कल मैं बाजार गया था, कल मैं बाजार गया, तो दोनों बात एक ही होती है, दोनों का मतलब लोग एक ही समझेंगे, कोई गलत नहीं है। आई वेंट टू मार्केट स्टरडे या आई हैड गोन टू मार्केट स्टरडे, दोनों का मतलब लोग एक ही समझेंगे सामने वाले। बट मैं बस आपको एक फर्क बता रहा था कि फर्क क्या है और सही क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंसेस क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेज में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेज में। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा भी फायदा होता हो मेरे क्लास से, थोड़ा कुछ भी कुछ सीखने को मिलता है आपको, तो प्लीज वीडियो देखते वक्त लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और हो सके तो कमेंट भी कर दिया कीजिए। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद।